अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के व्लॉग में आप लोगों को डिज्नीलैंड देखने को मिलने वाला, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और हमारे 200 के होने वाले, तो जल्दी जल्दी से वो भी कम्प्लीट करा दें और वीडियो को लाइक भी कर लें। तो अभी हम लोग रस्ते में और जा रहे हैं। मैंने सोचा थोड़े से आपको रस्ते के भी सीन्स दिखा देती हूँ। और 200K पे मैं सोच रही हूँ कि आपकी तरफ से अगर मुझे कोई चैलेंज वीडियो या कुछ भी इस तरह की मज़े की वीडियो बन सकती है ना, तो मुझे बताइएगा। 200K पे मैं अपने घर वालों के साथ शायद कोई चैलेंज करूं, कोई प्रैंक करूं, क्योंकि मेरा दिल कर रहा था कि थोड़ा कंटेंट डिफरेंट भी हो। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन सा प्रैंक या कौन सा चैलेंज देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, अब मेरी भाभी के साथ या किसी के भी साथ। तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इनकी भी थोड़ी सी शर्में ख़त्म करूँ और इनको कैमरे के सामने लेके आऊँ और कोई मज़े की चीज़ आप लोगों को दिखाऊँ। तो बस मुझे बताइएगा और जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वाली वीडियो कैसी लगी। मैंने तो कोशिश की कि मैं आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूं। और मैं डिज्नीलैंड पहले जब भी जापान आई हूँ तो मैं गई हुई हूँ, तो इस दफ़ा भी हमने सोचा चले मैं आप लोगों को भी साथ दिखा देती हूँ। कोई प्लान नहीं था इस दफ़ा जाने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चले यूट्यूब पर तो मैंने फर्स्ट टाइम ही व्लॉग अपलोड करना है डिज्नीलैंड का, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो मेरे साथ देख लेंगे। और वहाँ पर परेड भी होती है, तो हम लोग जो है ना वो आज दोपहर वाली देखेंगे। वैसे शाम वाली ज़्यादा मज़े की होती है क्योंकि उसमें बहुत लाइट्स एंड ऑल, ये बड़ा मज़े का सीन होता है। लेकिन हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं क्योंकि सर्दी होती जा रही थी शाम जैसे जैसे हो रही थी ना। तो बच्चों के साथ आप इतना ही कर सकते हो, और राइड्स भी बच्चों के बगैर ही आपको लेने का मज़ा आता है, क्योंकि हर राइड ऐसी नहीं होती जिसमें आप बच्चों को बिठा सको। तो पहले तो मैंने खूब इन्जॉय किया हुआ, हर राइड ली हुई है, लेकिन इस दफ़ा हम लोगों को कुछ स्पेसिफिक राइड्स ही लेनी पड़ेंगी। लेकिन एक इतनी ख़तरनाक वाली, और वो वाली जो माउंटेन स्प्लैश है ना, वो राइड मैं आज भी आप लोगों को दिखाऊँगी। वो इतनी मज़े की है ना कि अगर आप डिज्नीलैंड गए हैं और आपने वो नहीं ली ना, तो आपके पैसे पूरे नहीं हुए, क्योंकि सारा नज़ारा उसका है। इतनी मज़े किया यार, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको थोरली वो दिखा सकूँ, क्योंकि मैंने सारी रिकॉर्ड की। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरे हाथ से डर की वजह से फ़ोन ना गिर जाए, या फिर वो इतनी ज़ोर से झटका लगता है ना वहाँ पर ऊपर से नीचे गिराते हुए, तो मुझे ये भी टेंशन थी कि मेरा ये ना फ़ोन पानी में गया और सारा ब्लॉग भी पानी में गया इस वजह से। लेकिन फिर भी मैंने उसको कैप्चर किया। और बस हम पहुंचने वाले बहुत करीब करीब आ गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को साथ साथ टोक्यो की बिल्डिंग्स भी दिखाती जाती हूँ। रास्ता मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया था कि ये भी थोड़ी सी जो है ना मेमोरीज़ हमारे लिए भी रिकॉर्ड हो जाएंगी, साथ साथ आप लोग भी देख लेंगे। रास्ते में सीन्स इतने मज़े मज़े के आ रहे होते हैं ना कि मेरा हर जगह दिल करता है यहाँ भी कैमरा खोल लेती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ भी कैमरा खोल लेती हूँ। तो अब हम बहुत ज़्यादा करीब आ गया डिज्नीलैंड के, और ये सीन बहुत ज़्यादा मज़े का लग रहा था। फिर भी कैमरा जस्टिफाई नहीं कर रहा होता इन सीन्स को, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जहाँ तक मैं कैप्चर कर सकूँ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अच्छा, बच्चे जो है ना वो फर्स्ट टाइम जा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, और उनको भाई ने भाभी ने यही कहा था कि जब पुप्पू आएंगे ना तो उनके साथ जाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले बहुत छोटे थे। अभी भी भाई का ये प्लान था कि ये थोड़े थोड़े बड़े हो जाए ना, हर बच्चा जैसे पंजाबी में कहते अपने जोगा हो जाए ना, तो फिर सही मज़ा तभी आता है क्योंकि फिर आपको बच्चों को देखना नहीं पड़ता कि ये इधर ना चला जाए, अब ये ना हो जाए। तो बच्चे अपना अपना खुद घूम रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं, ये सारा डिज्नीलैंड ही नज़र आ रहा है यहाँ से। तो बस हम लोग अब आ गए, अब पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी। कितना सुंदर है, देखो भाई ये माउस का डॉग बना हुआ था। और आई थिंक ये हमारी फोर्थ फ्लोर पे पार्किंग थी, और यहाँ से ये पूरा नज़र आ रहा था। और धूप बहुत ही ज़्यादा कड़क वाली निकली हुई थी आज, और ऐसा सही हम लोग टैन होके आए हैं ना, एक दिन के अंदर यहाँ धूप भी बहुत कड़क शदीद होती है। अच्छा, डिज्नीलैंड की जो बिल्डिंग्स है ना, यही बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। पता नहीं ये विक्टोरियन स्टाइल है या रोमन स्टाइल, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। और भाभी कह रही थी आज तुम्हारा सही व्लॉग बनेगा। और यहाँ पर मैं ट्राइंग टू कैप्चर ईच एंड एवरीथिंग कि आप लोगों को अच्छे से जो है ना इसके नज़ारे मिल सके, क्योंकि नज़ारे वाकई बहुत मज़े के होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि जब तक आप कोई चीज़ खुद नहीं देखें ना, आपको शायद उतना मज़ा नहीं आता। और यहाँ हम लोग एंटर हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर हर जगह म्यूज़िक लगा होता है, और म्यूज़िक की वजह से आपको पता है यूट्यूब पे कॉपीराइट आ सकता है। तो वरना तो बहुत मज़े का लग रहा होता है, लेकिन मैं लाइव व्लॉग इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि जहाँ मैंने लाइव बोला भी हुआ ना, पीछे म्यूज़िक आ रहा है, परेड भी इवन म्यूज़िक के साथ ही हो रही होती है, क्योंकि उसका मज़ा ही सारा वैसे होता है। तो वो भी मुझे किसी जगह पे स्पीड फास्ट करनी पड़ी है, और किसी जगह पे मुझे कट्स लगाने पड़े बार बार, ताकि म्यूज़िक की वजह से मुझे कॉपीराइट ना आ जाए, वरना मेरा सारा व्लॉग ख़राब हो जाना है।
और जब बहुत ज्यादा धूप होती है ना, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फील होता है, या आप लोग भी बताइएगा, कि आईफोन का जो कैमरा है वो इतना अच्छा काम नहीं करता, पिक्चर्स भी ऐसे ब्लैकिश और अजीब सी आ रही होती है, वो वाले सीन्स नहीं मजे के आ रहे होते, पता नहीं इसको क्या मसला है। तो अब यहाँ पर अब्दुल्ला के आप लोग ये तमाशे देखने हैं। अब्दुल्ला बहुत बुरी बात है, अब्दुल्ला हैंड पकड़ो, आप भी हैंड पकड़ो। अब्दुल्ला वो देख, भाई जो बड़ा उसको ठुड्डे मार के, इधर जा भाई इधर जा, कहता है। अब्दुल्ला तो इतना ज़्यादा तंग कर रहा था ना, ये सब करेक्टर्स को मार रहा था, इनके साथ खेल रहा था, तो हम इसको पकड़ रहे थे कि भाई इनको मारो तो नहीं। तो बस फिर एंटर होते ही इनको ये जो है ना शॉप नज़र आ गई। यहाँ से इन लोगों ने बोला कि हमें जो क्या कहते हैं हेयर कैचर्स जो होते हैं ना डिज्नी लैंड में, सब लोगों ने पहने होते हैं ये बड़े रंग बिरंगे मिकी माउस और मिनी माउस एंड ऑल ये सब जो करेक्टर्स हैं यहाँ पर, तो हमें वो वाले कैचर्स लेने हैं। तो फिर हमने इनको यहाँ से ये लेके दिए और अब्दुल्ला को भी हमने साथ ले दिया, क्योंकि बहनों को देखे उसने भी ज़िद करा, तो हमने उसको भी ले दिया हेयर कैचर, लेकिन उसको थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंट लेके दिया कि चलो लड़कों वाला भी लगे। लेकिन यहाँ पर सब ने जो है ना, ये जापानियों ने बड़े टशन किए होते हैं, हर उन्होंने बैग्स के ऊपर भी इतने ज़्यादा मिकी माउस और मिनी माउस एंड ऑल, ये क्यूट क्यूट चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और लगाती हैं, तो इसलिए बच्चों को भी यहाँ पर आकर ना शौक पैदा हो जाता है ये इनकी तरह की हरकतें करने का। तो कैचर्स गाइड लेने के बाद अब हम इधर इधर घूमते शूमते देखते हैं। उसके बाद 3 बजे परेड होनी थी और यहाँ पर लोग तकरीबन 2 घंटे पहले ही जो है ना वो आगे आगे जगह लेने, परेड के बिल्कुल पास जगह लेने के लिए ना वो बैठने लग जाते हैं, अपनी चीज़ें वहाँ बिछा के, ताकि हम बिल्कुल करीब से देख सकें। लेकिन हम थोड़ा लेट पहुँचे थे, इसकी वजह से हम थोड़ा सा दूर खड़े होकर हमें परेड देखनी पड़ी थी। लेकिन खैर है, देखनी तो होती है, चाहे आप करीब से देखो या दूर से देखो। अच्छा, पहले जो है ना, मैंने जब पहले देखी थी तो इनकी परेड बड़ी लंबी सारी होती थी, और मेरे ख्याल से शाम की परेड में ज़्यादा डिज्नी प्रिंसेस और ये सब होती हैं, क्योंकि दोपहर की परेड में मुझे नज़र नहीं आया। तो जो कि जापान से मुझे देख रहा है और रिसेंटली अगर किसी ने देखा और पहले भी देखा तो मुझे बताना कि अब ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि इस टाइम कोई डिज्नी प्रिंसेस नहीं आई थी। और शाम को जो है ना, पहले हमने शाम को भी देखी थी, दोपहर को भी देखी थी, और दोनों टाइम पर आती थी। तो खैर अब छोड़ो, और यहाँ पर फिर मुझे इतनी भूख लगी थी, आते फिर हमने चूरूस खाए और फिर हमने पॉपकॉर्न खाए, क्योंकि और तो यहाँ पे हमारा कुछ खाने वाला होता नहीं है, हर चीज़ में ये देखना होता है कि कोई हलाल है या नहीं है। तो फिर बस इस तरह की सूखी पुकी चीज़ें खा कर गुजारा करना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ से कोल्ड कॉफ़ी ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी, और जैसे मैंने आपको बोला ना जापानी बड़े टशन करते हैं, तो वो ग्लासेस वगैरह भी वो मिकी माउस वाली और इन सब करेक्टर्स की ले रहे होते हैं, तो मैंने सिर्फ उसको लगा के पहनी और पिक्चर विक्चर ली, फिर मैंने वापस रख दी। मैंने कहा मैंने तो लेनी नहीं है, हमने तो सिर्फ पिक्चर्स के लिए पहननी है। और फिर अभी यहाँ पर हम लोग कॉफ़ी लेंगे, मेरा देख के दिल कर गया, लेकिन उसके अंदर बहुत मतलब चीनी तो ना होने के बराबर थी और बहुत ज़्यादा कड़वी थी। खैर फिर हमने पी ली, क्योंकि गर्मी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया ना, शदीद किस्म की धूप लगी हुई थी, और यहाँ जिस दिन धूप लगती है ना उस दिन तो अखीर की गर्मी हो जाती है, और जिस दिन एक दिन भी जरा सी हवा चल जाए ना तो ऐसा लगता है कि फिर से सर्दी आ गई। तो यहाँ पर अब परेड स्टार्ट होने वाली है और सब लोग अपनी जगह पे ऑलरेडी बैठ चुके थे, तो हम लोग अब खड़े होके देख रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहीं पे बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया वीडियो, कहीं तोड़ तोड़ के, ताकि म्यूज़िक पूरा एक जगह पे ना आए और उसकी वजह से मुझे कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि म्यूज़िक के बगैर आप लोगों को देखने का मज़ा भी नहीं आना था। अभी भी दुआ करिएगा कि मुझे कॉपीराइट ना आए, वरना फिर से सारी वीडियो डिलीट करके अपलोड करनी पड़ेगी, यार बहुत लंबा काम हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो बस वीडियो को आप लोगों ने लाइक लाजमी कर रहा है। मैं थोड़ा थोड़ा पॉज भी ले रही हूँ ताकि मैं बोल भी सकूँ, आप लोगों से बात भी कर सकूँ।
और यहाँ पर बच्चों ने खूब इंजॉय किया। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही थी, साथ साथ आइसक्रीम खाए थे, साथ साथ परेड देख रहे थे। और बस परेड ख़त्म ही होने वाली थी, तकरीबन 10 से 15 मिनट की परेड थी, इससे ज़्यादा नहीं हुई थी। ये देखिए अब्दुल्ला आगे फुल इंजॉय कर रहा है, यहाँ पे आबिश भी आइसक्रीम खा रही है। तो खैर सब लोग उठ गए थे बाद में, और अब फिर हमने सोचा थोड़ी सी राइड ले लेते हैं, और बच्चों के साथ बच्चों वाली राइड्स लेनी पड़ी, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतना मज़ा आया हम लोगों को, लेकिन उस पर भी हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, मैंने और भाभी ने। भाभी को मैं ज़बरदस्ती हर जगह साथ लेके जा रही थी कि नहीं प्लीज़ आप आएँ साथ ये भी लें, और भाई को तो वैसे ही इतना कोई राइड्स और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। तो भाई ने तो कहा कि जाओ तुम लोगों ने जो करना तुम लोग घूम फिर आओ, तो मैं यहाँ पे बैठा हुआ। तो भाई स्कूल से बैठ के थे, और मामा तो वैसे कोई राइड्स वगैरह नहीं लेती, हालांकि हमने मामा को भी बोला था। तो फिर मैंने, जफर भाई ने, भाभी ने और बच्चों ने, हम लोगों ने तो राइड्स ले ली थी जितनी हमसे ले सकी बच्चों के साथ। और ये थोड़ा सा इन्होंने कवर किया हुआ है क्योंकि शायद यहाँ पर कोई काम चल रहा था, लेकिन वरना इसके बिल्डिंग बहुत ज़्यादा प्यारी लगती होती है। लास्ट टाइम हम लोग अपने जब कजन्स के साथ आए थे तब हमने यहाँ पर पिक्चर्स ली थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी पिक्चर्स आई थी। तो अब हम राइड्स देख रहे हैं पहले बच्चों वाली, क्योंकि बच्चों ने तो हमारा दिमाग खा जाना था कि अगर इनके मतलब की राइड्स ना इनको मिलती। और मज़े की बात, एक जो सीन मैंने आप लोगों को बताया नहीं, डिज्नी लैंड में फातिमा घूम गई, वो इस तरह के भाभी मामा जो है ना, वो हम लोगों ने एक राइड ली, ये वाली जो आप लोगों को भी नज़र आ रही है ना, तो हम लोगों ने ना ये वाली राइड ली और मामा साइड पर बैठी हुई थी। तो बाद में ना बच्चों ने ये लेते ही दूसरी राइड भी देख ली, तो कहा कि हम लोग ना वो राइड लेने के लिए जा रहे हैं। तो भाभी ने मुझे बोला कि तुम और जफर भाई जो है वो बच्चों को उस राइड पे लेके जाओ, मैं मम्मा को वहाँ से लेके आती हूँ, तो मैं डायरेक्ट वहाँ पर आ चुकी। हमने बोला चलो ठीक है। तो हुआ ये कि हम लोग, भाभी के हाथ में थी फातिमा, मैंने आबिश को पकड़ा हुआ था और जफर भाई ने अब्दुल्ला को पकड़ा हुआ था। तो भाभी ने बोला ये लो फातिमा को भी ले जाओ, उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया और उसको आगे कर दिया। और फातिमा ने ना पीछे अभी देखा भी नहीं, हम लोगों की भी बस यही डिस्कशन हो रही थी, ठीक है हम उस जगह पर होंगे तो आप आ जाना। अभी हम लोग आगे चलने ही लगे तो उतनी देर में फातिमा गायब, क्योंकि वहाँ रश भी इतना ज़्यादा होता है, आप देख रहे इतनी दुनिया होती है जिसकी कोई हद नहीं है। तो बच्चे जो है ना वो एक मिनट नहीं लगता किधर से किधर, फातिमा को लगा मैं अपनी मामा के साथ चल रही हूँ, और हम लोगों ने इधर उधर देखा फातिमा कहीं नहीं, हमने कहा फातिमा फातिमा, और एक साइड पे फातिमा इतनी आगे पहुँची, और उसने भी जब देखा कि मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा, वो वहाँ पे रोने लग गई। और हमारी अचानक से इसके ऊपर नज़र पड़ी और बेसिकली हमें इसके रोने की आवाज़ आई, तो हम लोग जल्दी से गए इसको आवाज़ दी, और फातिमा फुल रो रही है कि पता नहीं मैं आवाज़ नहीं आ, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा भी आगे नहीं गई थी। और हमारा भी जो है ना वो फ़ौरन ही ध्यान पड़ गया कि फातिमा कहाँ गई है, और देखा तो ये मैडम लोगों के साथ चलते चलते, पता नहीं चलता ना जब इतने लोग होते हैं भीड़ में कि हमारे घर वाले हमारे साथ चल रहे हैं या हम अकेले ही चल रहे हैं, तो फातिमा वो पहुँची हुई। खैर शुक्र है मिल गई, नहीं तो हमारी सारी राइड्स बाहर आ जानी थी। भाई ने कहना था तुम यहाँ नहीं हुई ऐसी, क्योंकि सबके घर वालों के ये डायलॉग होते हैं अब्बुओं के और भाइयों के कि तुम यहाँ नहीं हुई ऐसी, तुम्हारे ध्यान कितने से तुम लब्बे क्यों नहीं, ये नहीं हुआ तो तुम लोग देख नहीं सकती थी, अगर नहीं संभाल सकती तो लेके क्यों जाते हो। तो ये सबके कॉमन डायलॉग है जो मैंने आप लोगों को सुना दिया। फिर जी ये कप वाली ये राइड थी कि वहाँ पर घोड़ों पर बिठा के मैं लाए हैं गोल गोल घुमा घुमा के, और उसके बाद कह रहे हैं हमने ये कपों वाला लेना है, सारे चक्कर एक को दम ला लेने। तो फिर एक तो यहाँ पे ना राइड्स में लंबी लंबी बड़ी लाइनें लगी होती, आप लोगों ने पहले भी जब मैं स्टोरी सुना थी ना तब देखा होगा राइड में इतनी लंबी लाइन में से गुजर के हम लोग गए थे पहले वो वाली लेने के लिए, और अब हम ये कप्स वाली राइड पर आ गए हैं, और इसके लिए भी हम फुल लाइन से गुजर गए हैं। अभी भी पूरी प्रॉपर पीछे लाइनें लगी हुई हैं, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो हम लोग बिल्कुल अब आ गए हैं पास, और अभी हम घूमने लगे हैं। भाभी को तो राइड्स में इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता, इनको मज़ा दिलवाना पड़ता है। मैंने इनको बोला कि मज़ा आ रहा है ना, कहती नहीं मुझे चक्कर आ रहा है। तो अब बस भाभी ने बोला कि ये दो राइड्स ले ली हैं तो चलते हैं। हमने भी, मैं और जफर भाई अड़ गए, और बच्चे भी हमारे साथ। आप सोचिए वो इतने चुन्ने मुचुन्ने से बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत चेक करें, कहते नहीं हमने भी स्प्लैश माउंटेन पे बैठना। हालांकि हमने इनको पहले दिखाया कि ये देखो बच्चों ऐसे ये ऊपर से नीचे फेंक दे, तो बच्चों ने कहा नहीं नहीं हमने बैठना है। फिर मैंने और जफर भाई ने ज़िद की और भाभी को पकड़ा साथ कि नहीं प्लीज़ हमें, और हमें इस राइड के लिए लिटरली एक घंटा लाइन में लगना पड़ा। इसके लिए सबसे लंबी लाइन में लगना पड़ता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ रहे और मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितना शदीद वाला रश होगा। लेकिन यहाँ पर सीन्स बहुत ही प्यारे थे सब, लेकिन ये है कि ये वाकई वर्थ सेइंग है, ये इतना मज़े का होता है ना। और ये देखें अभी आप लोगों को एक फ्लैश नज़र आया था ना, तो यहाँ पे ये लोग पिक्चर भी लेते हैं और वो उसमें सब मुंह ऐसे खुले हुए होते हैं, कोई डर रहा होता है कोई कुछ। तो मैं आपको अपनी पिक्चर्स भी दिखाऊँगी जो हमारी पिक्चर आई थी ना यहाँ पर, कि हम लोग क्या पोज मार रहे थे। मैंने तो
तो खैर अपना फ़ोन पकड़ा हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए, और मैंने रिकॉर्ड फुल किया है सीन, और मेरा मुंह डर के मारे यूँ खुला हुआ है फुल, लेकिन मज़ा आता है यार। और उसके बाद यहाँ पर ये बोट वाला भी था, लेकिन भाभी ने लेने ही नहीं दिया, कहती नहीं नहीं बहुत टाइम हो रहा है, शाम हो रही है, बच्चों को ठंड लग जानी है, हालाँकि ये डरती हैं इसलिए नहीं इन्होंने हमें लेने दिया, और सारा कुछ डाल बच्चों पर दिया और सर्दी पर दिया। हालाँकि बहुत मज़ा आना था अगर हम कुछ और राइड्स भी ले लेते ना, तो खैर अल्लाह अल्लाह करके भाभी इस पर भी इतना बोली, कहती एक घंटा लाइन से लगना पाएगा, तो बहुत हुआ। मैंने कहा चुप करके लाइन में लगे, अब तो ये बिल्कुल हम करीब करीब आ गए थे जब हमने नई वीडियो स्टार्ट की, वरना क्या लाइनें होती हैं इतनी लंबी। और अभी भी लाइन ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे जाके भी हमने तकरीबन आधा घंटा इस गुफा में घुस के इंतज़ार किया, क्योंकि आगे जाते जाते खिसकते खिसकते भी बड़ा टाइम लग जाता है। ये देखिए फुल उन्होंने अंदर से नेरा कुपगेर माहौल बनाया हुआ है पूरा, और यहाँ पर जो है ना ये देखिए भाभी फुल ऐसे सड़ेला मुंह बना के खड़ी हुई थी कि क्या मुझे ले आए तुम लोग अपने साथ। लेकिन जब ये अंदर बैठी ना तो पैसा वसूल हो गया, इनको मज़ा आ गया, और इन्होंने खुद बोला कि वाकई अब सही जो बाकी हमने एक घंटा इंतज़ार किया ना उसका मज़ा अब आया है। तो अंदर ये फुल उन्होंने ये देखे आउल शाउल रखे हैं, और फुल ही खौफनाक मंजर बनाया हुआ है ये वाला। और अंदर की दुनिया में आपको दिखाती हूँ, ये राइड सिर्फ ऊपर से नीचे फेंकती नहीं है, ये प्रॉपर 10-15 मिनट की राइड है। ये इसको फुल अपने साथ लगाओ। और मैं आप लोग को बताई थी कि ये पूरा अंदर के एक इसके अंदर एक दुनिया है पूरी, तकरीबन 10-15 मिनट ही आपको घुमाते हैं, और बहुत ही मज़े के सीन्स आते हैं, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैंने सारे कैप्चर किए हैं। तो ये देखें जी फुल पानी वाला मॉल आ गया है, अब आगे चलते हैं। अब तो ये जनाब हमारी राइड हो चुकी है स्टार्ट, और ये सब अंदर के सीन्स हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं। लेकिन फिर वही बात कि मैं आप लोगों को प्रॉपर ब्यूटी नहीं दिखा सकती आवाज़ों के साथ म्यूज़िक के साथ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाना। तो खैर है कहीं कहीं मेरी आवाज़ सुन लें, और कहीं कहीं थोड़ा सा म्यूज़िक देख लें आप लोग लाइव में। अब फाइनली हमें ऊपर से नीचे ये लोग फेंकने वाले हैं, और भाभी को देखें आप। और मेरी इतनी ज़्यादा हंसी की वजह ये थी कि वो एकदम से वहाँ स्प्लैश करते हैं, तो वो इसकी वजह से सबके ऊपर पानी आता है, लेकिन मैं फुल बच गई और भाभी और सफर भाई बिल्कुल गीले हो गए। और यहाँ बाहर आके हम लोगों ने अपनी पिक्चर देखी, और इसको मिलने में भी आधा घंटा लगना था, तो हम लोग फिर ऐसे ही आ गए। तो खैर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और आई होप आप लोगों को देखने में भी इतना ही ज़्यादा मज़ा आया होगा। और बस अब हम लोग जाते हैं घर, बस घर जाते हुए खाना शाना खाते हैं, और इसको हम बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन हमें 6:30 हो चुके थे, और थोड़ी ही देर में बस अब लोग जो है ना वो इवनिंग परेड की तैयारी करने लग गए थे और बैठने लगे थे अपनी अपनी जगहों पर, और लेकिन वो हम देख नहीं सके, अगर वो देखते तो फिर बहुत ज़्यादा हमें टाइम हो जाना था घर आते आते। तो जैसे मैंने आपको बोला थोड़ी ठंड होने लग गई थी, तो बच्चों के साथ जो है ना वो ऐसे ही
फिर आपको चीज़ों की एहतियात करनी पड़ती है। और आप लोगों को याद होगा कि जब मैं जापान आई थी फर्स्ट डे पे भी हम लोगों ने यहीं से खाना खाया था, तो बस हम लोग वापस वहीं पे आ गए हैं खाना खाने के लिए सदफ पे, और खाना शाना खाते और फिर जाते हैं घर। और हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके हुए थे, और यहाँ पर ना मैंने एक गलती की, जॉगर्स पहन के आना चाहिए थे, मैंने पम्प्स पहन लिए कि चलो मेरे ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, लेकिन मेरे पाँव टूट पच गए थे। तो इस तरह की जो थोड़ी घूमने फिरने वाली जगह ना, यहाँ पर जॉगर्स ही काम आते हैं। तो खैर, हमारा ऑर्डर बस आ गया था, और आई होप कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और इस टाइम मुझे फुल ठंड भी लग रही थी तो मैंने भाई की जैकेट भी पहनी हुई है। तो खैर, अब मैं चलती हूँ, आप लोगों से चाहती हूँ इजाज़त। अब तक बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस तरह की वीडियोस और किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि मैं वैसा बना सकूँ। और बस खाना शाना खाने के बाद अब हम जा रहे हैं घर वापस। मैं ज़्यादा तो अब रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि इस टाइम हालत फुल बस ख़त्म हो चुकी थी। अब मैं जा रही हूँ फाइनली, बाय बाय।